लक्ष्मी बम और भुज आमने सामने। आखिरकार वो समय आ ही गया जब अक्षय कुमार हर घर में बम फोड़कर लक्ष्मी बरसाने को तैयार हो गए हैं। हर काम के लिए गणित का जोड़ तोड़ करने वाले अक्षय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छलांग मारने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना है। लक्ष्मी बम। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बम काफी समय से चर्चाओं में है। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ये फिल्म 22 मई को ही सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी होती। अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। ये सुपरहिट तमिल फिल्म कांचना की हिंदी रीमेक फिल्म है। लक्ष्मी बम 15 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म के बारे में अक्षय ने लिखा है, फिल्म देख कर आप हंसोगे और डरोगे भी। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म में अजय देवगन को एक एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर आधारित है। 14 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। सड़क 2। लंबे समय तक इंतजार के बाद से फिल्मकार महेश भट्ट भी अपनी अगली फिल्म सड़क 2 की डिजिटल रिलीज के लिए तैयार हो गए हैं। साल 1991 में आई फिल्म सड़क के सीक्वल में पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं। सड़क 2 इसी महीने 28 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज होने जा रही है। द बिग बुल। अभिनेता अभिषेक बच्चन के अभिनय से सजी फिल्म द बिग बुल को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। अजय देवगन के बैनर तले बने इस फिल्म में एक बिजनेसमैन की जिंदगी पर आधारित कहानी को दिखाया जाएगा। अब ये फिल्म भी डिज्नी हॉट स्टार पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये फिल्म पीरियड ड्रामा है। ये 1980 और 1990 के बीच एक सच्ची घटना से प्रभावित कहानी है। चर्चा है ये फिल्म डिज्नी हॉट स्टार पर 23 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है। खुदा हाफिज। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल पिछले काफी समय से अपने इस फिल्म को लेकर चर्चाओं में है। हालांकि उनके फैंस को भी ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगी। खुदा हाफिज 14 अगस्त को डिज्नी हॉट स्टार पर रिलीज होगी। क्लास 83। बॉबी देओल की ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने एक बड़ी उम्र के पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। ये फिल्म मुंबई पुलिस एकेडमी पर आधारित है और बॉबी देओल उस एकेडमी के डीन बने हुए हैं। वो एक 5 ऐसे पुलिस ऑफिसर तैयार करते हैं जो कानून को थोड़ा अलग से फॉलो करते हैं। क्लास 83 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मीर अक्सब। शबाना आजमी और उनके पिता कैफी आजमी की जिंदगी पर ये फिल्म आधारित है। कैफी ने किस तरह से शबाना आजमी को बाकी लड़कियों से अलग पाला पोसा और उन्हें किस तरह से उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म 21 अगस्त को G5 पर रिलीज हो रही है। स्कूल में दुनिया के हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।